दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि हम जो रेल में सफ़र करते हैं, हम जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो क्या हमारे दिए हुए भाड़े से रेलवे डिपार्टमेंट चल सकता है? आपने देखा होगा कि रेलवे में बहुत सारा खर्च भी हुआ है, होता है हर बार उसका, ये में रिपेयरिंग में या फिर ईंधन के लिए, तो क्या हमारे दिए हुए पैसे से वो खर्च चल जाता है? मैं आपको बताता हूँ कि वो खर्चा वो कहाँ से मेंटेन करती है। ये जो बड़ी बड़ी आप मालगाड़ी देखते हैं जिसमें कि ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, तो उससे ही रेलवे अपना घाटा पूर्ति करती है। यात्री सेवा तो बस वो पब्लिक के सेवा के लिए ही देती है, उसका मेन कमाई जो है यही मालगाड़ी है जिसको कि वो चलाती है हर एक छोटे बड़े कंपनी पर, और उसी से वो पैसे उठाती है, वरना हमारे दिए हुए पैसे से रेलवे नहीं चल सकता। इसलिए आपको लगता होगा कि रेलवे इतने कम भाड़े पर इतना बड़ा बड़ा सफ़र हम लोग को कैसे करवा देता है, इतना लंबा सफ़र। उसका मेन कारण यही है कि हमारा जो पैसा है उससे सारे कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दिया जा सकता है, सारा खर्चा ये मालगाड़ी ही उठाती है जो कि बड़े बड़े कंपनियों के सहारे चलती है।